सरजमीन पिशोर दे उते बहुत सारी अजीम जलीलुल कद्र ते उलुल अजम शख्सियात पैदा हुई हैं। इन शख्सियात दे उस्ताद कामिल मुर्शिद अकमल कुतब आलम हजरत सैयद मोहम्मद अमीर शाह कादरी गिलानी अल मारूफ सैयद ना मौलवी जी दा नाम कम ते मकाम सबसे बुलंद आया। मौलवी जी अपनी जात विच ही किदारा एक अंजुमन एक जमात आई। इस नाबगै असर जामे कमालात हुमजहद शख्सियत ने पिशोर दे इल्मी और अदबी दीनी और रूहानी सियासी और माशरती तारीख ते अनमिंट ते गहरे नकूश सबूत किते। मौलवी जी साहब महज एक साहिब तरीकत सूफी ते आलमी दीन ही नहीं बल्कि एक मुहक्किक ते अजीम मुसन्निफ भी आए। कुरान और हदीस तारीख और फिक्का मुआरिफत और तरीकत ते सियासत और सहाफत विच भी आला मकाम रख दिए। तुसी पिशोरियां वसे एक सायेदार दरख दी मानिंद आयो जिन्हां दी ठंडियां छावां सी हर खास और आम नूं सकून और इतमिनान मिल लाया। मौलवी जी ने अपना दामन हमेशा दुनियावी आलाइशां ते नफसानी ख्वाहिशां सी पाक और साफ रखा ते सारी उम्र फिक्र और दरवेशी ते फकीरी विच गुजरा। ए भी वजाई कि अहले पिशोर दे दिलां ते आप रहमतुल्लाह अलैह दी बादशाही दा सिक्का चलदा आया। साडा खानदान जिहड़ा है ये तकरीबन 200 बरस सी इत्थे आके आबाद होया। आबाओ अजदाद ही साढ़े जड़े बुजुर्गन सबसे पहले शाह अब्दुल्ला सहाबी मशहूर हैं जड़े के ठठे दे विचकार आके उन्हें क्याम फरमाया। हजरत सी रहमत ताला आला तक इस फकीर की सतवीं पुश्ते जड़ी के पहुँच दी है और सैयद हसन रहमत ताला आला दी हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अनु तक 22वीं पुश्ते जाके आप दे नाल उन्होंने नसब मिलता है और फिर 11वीं पुश्ते जाके हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला नसब इमाम उल औलिया सनद उल अतकिया हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजूल करीम तक पहुँच दें। यकीन करो कि मैं 25 साल के दौरान उन्हें दी जुबानी नहीं सुना कि फलां मेरा मुरीद है। आपने हमेशा फरमाया कि फलां मेरा दोस्त है या दोस्त है। हालांकि उन्हें दे हज़ारों मुरीदैन सन। पेशावर के लोग बड़ी अकीदत रखते जिस तरह कि सुने होनी फरमाया कि हर मकतबे फिक्र दे उलमाए कराम लोग उन्होंने अकीदत रखते। उसके बावजूद आप दे कार कोई जब अजकल दे पीरां दा गुरूर और तकबर जड़ा होंदा है जड़े कि प्रोटोकॉल है कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सादा लिबास सादा तर्ज जिंदगी उन्हें जिंदगी दे कार चंद पहलू बड़े अजीब है। एक जड़ा मैंने जिंदगी नोट किया कभी किसी बंदे को उन्हें तमा नहीं रखा। तमा रखा तो सिर्फ अल्लाह की जात को रखा। इसी तरह हर किसी को एहतराम देंगे उसके हसबे मरातब उस एहतराम देंगे। तो गरीब आदमी आता है तो उन्हें महसूस नहीं होता कि मैं गरीब हाँ। कोई अमीर आदमी आता है तो उन्हें इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं होता है कि वह समझे कि मैं कोई बड़ी वही शह हाँ। नहीं उसका उतनी एहतराम होता है जितना उसका रुतबा है। कोई गवर्नमेंट का बड़ा अफसर आया तो उसमें अफसर हैसीयत मैं अपने नाल बिठाते उसी तरह उन्होंने ट्रीट कर रहे। गवर्नर आया तो गवर्नर भी उन्होंने गवर्नर का प्रोटोकॉल देता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई
आम आदमी आया था उन्होंने भी उन्होंने वही रुतबा दिता जरा कि इस वास्ते हर कोई यही कह रहा है कि मौलवी जी मेरे बड़ी मोहब्बत है। वो मेरा मौलवी जी बड़ा जबरदस्त तरीके से बड़ी मोहब्बत रिश्ता रही है। छोटी उम्र से मैं मौलवी जी के घर जाना है और ये ख्वाहिश होती है मैं मौलवी जी का कदम मुरीद दसा 68 बैंक ज्वाइन की 70 रही मौलवी जी की गुलामी के आया और मेरा मैं फख्र है मैं फख्र न कह सकता हाँ तो मैं मौलवी जी के बगैर जोड़ा कि किसी आस्थान से नहीं गया 70 से लह के आज मेरी 70 साल की उम्र है बस मौलवी जी ने पकड़ा है तो मौलवी जी ने जोड़ा दामन पकड़ा है और मौलवी जी के घराने के ना जी मेरी वापिस तक ही रही है और मैं फख्र है तो मैं मौलवी जी का जोड़ा तो एक उस अदना गुलामा के मैं नहीं कहना मैं मौलवी जी पुत्र कहते होंगे लेकिन मैं नहीं कहना मैं मौलवी जी के गुलामा के और मौलवी जी की बेपनाह मोहब्बत है मेरा ए अजीम फकी आलम बा अमल ते अल्लाह पाक दवली 10 रमजान उल मुबारक 1337 हिजरी ब मुताबिक 9 जून 1919 ईस्वी बरोज़े पीर हजरत बुरहान उल आशिकीन सैयद मोहम्मद जमान शाह कादरी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे घर विच पैदा होए। एक मुसद्दका तहकीक दे मुताबिक 10 रमजान नु पैदा होए और ओ ईस्वी साल है 1919 और इदी इस ते बड़ी तहकीक हुई है क्योंकि उस जमाने दे कार पैदाइश नोट करने का कोई निज़ाम आया लेकिन इंप्लीमेंट बड़ा घट होंदा आया बड़ा घट इस्तेमाल होंदा आया तो फिर सने इसकी तहकीक की थी और मौलवी जी ने आप भी इसकी तस्दीक की थी कि मैं रमज़ान के महीने मेरी वालदा ने मनु किया कि मैं रमज़ान के महीने पैदा होया तो रमज़ान की 10 तारीख है तो फिर सने तहकीक की थी कि 10 रमज़ान किड़े साल आते हैं क्योंकि 1921 के बाद किया जाए कि मौलवी पैदा हुए तो तहकीक की तो पता लगा कि 1921 को 10 रमज़ान आया। इस वजह इस तहकीक की बुनियाद पर यह साबित होता कि मौलवी रमज़ान के महीने 10 तारीख 1919 को पैदा हुए। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शहनशाह बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दे चौथे फर्जन सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह दी औलाद सन। आप दे जद्दे अमजद हज़रत सैयद अब्दुल्ला साहबी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मज़ार ठठा दे फिर उन्हां दे फर्जन सैयद हसन बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मज़ार पेशावर दे कारे क्वार रोड ते और फिर उन्हां दे फर्जन सैयद शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मज़ार लाहौर च उन्हां दी औलाद च आप जिस तरह आपने फरमाया मुजहद शख्सियत सन प्यार और मोहब्बत खलूस का एक पैकर सन बड़े जयत आलम दीन आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे वली दी जड़ी निशानियाँ बताइया। पहली निशानी ये कि अगर आप उन्होंने चेहरे वाल देखो तो सानू अल्लाह याद आ सी उन्हों की सोभित इख्तियार करो तो सानू दीन का इलम हासिल हो सी और अगर उन्होंने अमल वाल देखो तर्ज जिंदगी वाल देखो तो सानू योम हशर याद आ सी। ये तीनों खसूसियात उन्होंने कार मौजूद आई हैं भाई जयद आलम दीन आए बड़ी किताबों के मुसन्फ आए शर बुखारी शरीफ उन्होंने लिखी है और फजाइल हजरत अली करमल्ला मुतलक जड़ियाँ अहादीस हजूर सल्लम सी मरवी उन्होंने मुताबिक उन्होंने किताब लिखी है और बड़ी किताबा सैकड़ा किताबों के मुसन्फ आए लेकिन मनु ये शर्फ हासिल होया कि मैं 25 साल तक उन्हें सोबत चली हूँ सादगी का पैकर है गुफ्तार निहायत असर आया और आपका लिबास भी सफेद लिबास देवतन कर दे सर्दियों के कार शेरवानी देवतन कर दे और जिस वक्त गुफ्तगू कर दे तो इतना असर होता है कि कई लोग उसी नशिश के कार आपसे बैत हो जाते। जनाबे सैयद मोहम्मद अमीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह
आप मानवी अमीर है ते लिबासी फकीर है। आप दा नाम, आप दी शख्सियत दा आकाज है। देखो सरजमीन पिशावर इत्थे मौलवी बहुत सारे गुजरे, बहुत मौलवी आए ते बहुत मौलवी आसन, लेकिन मौलवी जी एक ही आए ते एक ही रह सके। आपनू ये खिताब आप दे दादा जान आका सईद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता फरमाया। आप दी सीरत सानू ये बता दी है कि आप अपने नाम दे नाल शुरू च अमीर शाह फानी लिखते होंगे, लेकिन आप दे दादा जान मस्कूर अलैह रहमा ने आपको हुक्म दिया कि अमीर शाह फानी अपने नाल ना लिखो, और उन्होंने आपको लकब अता फरमाया वे मौलवी जी। और वह मौलवी जी चूंकि अल्लाह दे वली दी अता आई और वली दी वली नू अता आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौलवी जी नू चार चंद लगाए। बचपन की जिंदगी आम लोगों की तरह ही है, उन्होंने एक खास दोस्त है ज़हूरुल हसन जड़े के पिशावर के मेयर भी रहे, ये उन्होंने बचपन से साथियों जो एक साथी है, उन्होंने बड़े मुहब्बत के प्यार के नाल और पुकार दे, इसे से असि भी उन्होंने चाचा ज़हूर कहने हैं। तो मैंने उन्होंने एक दिन पूछा है, मैंने कहा चाचा ज़हूर मौलवी की जिंदगी तो सामने देखिए जवानी के कार सामने देखिए हूँ एक नाम है एक रोशन नाम है ताबनाक जिंदगी है, इन्होंने बचपन थोड़े किस तरह गुजारा है, क्योंकि मौलवी होनी बड़े शौक थोड़ा जिक्र करते। तो कहते हैं कि मौलवी असी इकट्ठे जब दूध के कारी वे हो पले हो सारे मौलवी ने बचपन गुजारा है, आम बच्चों की तरह साढ़े ना खेलते आम बच्चों की तरह सारे, लेकिन एक खसूसियत ही मौलवी की सी कभी उन्होंने को कभी कोई व इखलाक सी गिरी गल उन्हें मुझे बचपन में भी कभी नहीं सुनी, हमेशा बड़े नफीस और अच्छे तरीके से साढ़े नाल खेलते भी रहे, असी इकट्ठे बच्चे इस तरह एक दूसरे असी मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने इखलाक का दामन बचपन भी अपने हाथ के घरों में छोड़ा। यह चाचा ज़हूर ने खुद बनू किया है लड़कपन सतवीं जमात के कारण आप स्कूल तो ड्रॉप आउट हो गए बीमारी की वजह से, वो जिन्हें अंग्रेजी की एक मिसाल है ब्लैसिंग इन डिसगाइज पिशावर के सूबा सरहद के पाकिस्तान के लोगों से आया, क्योंकि जो स्कूल तो ड्रॉप हो ड्रॉप आउट हो तो उन्होंने पूरी की पूरी तवज्जो अपनी दीनी तालीम की तरफ दे दी है और अपने आप में महसूस कर दिता है इल्म दीन के हसूल वास्ते, और फिर इल्म दीन के हसूल उस महराज पर पहुंचे कि आपने तफसीर कुरान की भी लिखी है हदीस की तफसीर भी लिखी है रसूल सलाम की सीरत पर आप जहाँ किताबन मौलाइली की शान के कारण भी आपने किताब तहरीर फरमाई है, इसी तरह पाक की जिंदगी में भी आपने एक तहरीर तो मुख्तलिफ तहरीर आपने की जन ये और नतीजा है कि आप स्कूल से निकले तो आपने जो तालीम हासिल की है उस पर बड़ी तगड़ो भी की है। तुहाड़ी तालीम और तरबियत तुहाड़े घर ही हुई है, यो घर आया जिहड़ा रुश्त तो हिदायत दा सर चश्मा आया जिस विच इमाम उल अंबिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इमाम उल औलिया हजरत अली करमुल्लाह वजहो ते हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे फयूज व बरकात पुश्त दर पुश्त मौजज़न चले आंदे पए। सैयदना मौलवी जी ने उलूमी दीनिया दी तकमील वास्ते पिशोर दे जिहड़े अजीम उल मुर्तबत यगाने रोजगार उलमा फुजलासी इल्म हासिल कीता, उन्हां विच इमाम हुरियत मुफ्ती सरहद मुजाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहीम साहब इमाम उल कुराउल हिफाज शेख उल कुरान हजरत अल्लामा हाफिज अली अहमद जान नक्शबंदी ते वाकिफ इसरार शरीयत और रमूज हकीकत शेख उल हदीस हजरत अल्लामा गुल फकीर अहमद साहब दे अस्माए ग्रामी शामिल हुन। मेरे उस्तादा दे इश्कार जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती सरहद मौलाना अब्दुल रहीम साहब पोपर जई रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूसरे उस्ताद मेरे हजरत अल्लामा फाजिल जरीद आला हजरत क़िबला गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे मुअज़्ज़म आए हजरत मौलाना हाफिज़ गुलफ़कीर अहमद साहब, और इसी तरह मेरे असातिज़ा दे इश्कार
अकाबिर उलमा दे इशकारो हजरत मौलाना सैयद अयूब शाह साहब जाफरी है और तेरे अकाबिर असातिज़ा दे इशकार शेखुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना हाफिज अली अहमद जान साहब रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमाईन। इसी तरह पेशावर शहर के जितने भी अकाबिर असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुरुनाथ जी सोबत सत साल मुसलसल रह के इस फ़कीर ने तमाम उलूम मुरव्वजा जेन हासिल की जन और इस फ़कीर की सनद हदीस अल्लाह ताला दे फज़्ल व करम दे नाल और अल्लाह जल्ला जलालू दी मेहरबानी नाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ताईद दे नाल सनद मीरी मशहूर है जड़ी सैयद मोहम्मद अमीर कबीर मिसरी अल अज़हरी सी जारी होंगी है। आप अपने उस्ताद की बड़ी कदर कर रहे हैं और जब उन्हें नाम लेंदे ना तो उन्हें चेहरे दे करो और उन्हें बॉडी लैंग्वेज तो पता लगता है कि अपने उस्ताद ने कितना एहतराम कर दे सारे उस्ताद का खास तौर पर हाफिज अली अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जड़े कि सैयद पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह मजाज खलीफा है पेशावर दे कार उन्होंने नाम बहुत मुहब्बत के प्यार दे नाल लेंदे क्योंकि ज़्यादा वक्त उन्होंने उन्होंने गुजराया जबकि आप दी सनद जड़ी है वह मौलाना गुल फकीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दे कोल होई और उन्होंने कहा जाता सनद अमीरी जड़ी आपने इलम की सनद हासिल की वह मौलाना गुल फकीर अहमद साहब को और इन कहते ये जी सनद है ये नबवी सनद है यानी मस्जिद नबवी सी इसकी इजरा शुरू होता तो मौलाना बोला फकीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची वो सनद उससे फिर आपने और फिर आपके कुछ शागिर्द ऐसे हैं जिन्होंने वो ही शब्द उन्होंने अता भी की है तो आप दी जड़ी दीनी तालीम है इस सिलसिले कुछ अरसे बच्चे आप देवबंद भी गए कुछ चंद महीने उसे देवबंद रहे लेकिन उसे तालीम मुकम्मल नहीं की वापस आ गए तो फिर ये वाला तालीम का सिलसिला उन्होंने शुरू किया जिस जगह के सारे उस्ताद उन्होंने हाफिज अली अहमद साहब हाफिज मौलाना गुल फकीर अहमद साहब हाफिज मौलाना मोहम्मद अयूब साहब मौलाना फजल रहमान साहब ये सारे उन्होंने उस्ताद है जिन्हों पर उन्होंने बड़ी मेहनत के नाल 10-15 साल जरा लड़कपन आया ना वो उस नाल गुजारा है। उलूम ज़ाहिरी से फरागत तो बाद तुहाड़े वालिद ग्रामी मरतबत दे ज़ेर साया सलूको मुआरिफत दी मनाजिल तय फरमाई वालिद ग्रामी कदर ने इस फर्जंद अर्जुमन नु सिलसिले आलिया कादरिया हसनिया दी इजाजत व खिलाफत फरमा कर अपनी जिंदगी विच सज्जादा बना दिता। कुतब आलम सैयदना मौलवी जी ने मशायख मुत्तकिदीन दी तरह अपने आबाई खान का नु ही अजीम शान मरकज इल्म इरफान बना दिता। तुहाने सन 1947 दरस कुरान दा इजरा फरमाया इस दे नाल नाल अहादीस से नबवी फिक्के हनफी ते तसव्वुफ दी किताबां दी तदरीस शुरू फरमाई। दीन दी एक दरसगाह सी इलम दी एक दरसगाह सी एक अजीम दरसगाह सी जड़ा साढ़े औलिया इकराम दा दस्तूर आया तरीकाकार आया कि खानकाई निज़ाम एक दरसगाह आईया एक यूनिवर्सिटी आईया जिस करके तालीम और तरबियत दा बेहतरीन निज़ाम होंदा आया दीन दी तालीम इस्लाम दी तालीम मुबल्लिगीन नूं तैयार करना फिर भिजवाना फिर उस इलाके की जुबान भी उन्होंने सिखाना इस तरीके ने मौलवी जी साहब ने भी वह सिलसिला जारी रखा इन्हें उसी खानकाह दे कार उसी बैठक दे कार बाकायदा इलम सिखाया जाता है दसो तदरीस होंगी और कई तालिब इलम उन्होंने शागिर्द कई लोग उन्होंने बड़े बड़े जय्यद लोग उन्होंने को इस्तेफादा उन्होंने हासिल किया है और उन्होंने को फारग तहसील होकर उन्होंने इस इलम हासिल किया है हदीस दा इलम फिके दा इलम तरीकत दा इलम शरीयत दा इलम बाकायदा उन्हें दी नशिस्तां होंदी हैं और मगरब दे बाद आप कुरान पाक दा दर्स भी देंदे हैं बच्चे नूं तालिब इल्मां नूं मौल साहब नूं रोज़ा जिंदगी देवे ए शेयर दे कर जितने अच्छे रसूमात इस्लाम दे मसलन असीं भी खत्म मौल जी उन्होंने मैं आप मुंतकल गरीब है करामत आम लोग
گزرنا چاہیے ہیں ہزاروں سال میں دس بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں شاہد اللہ تعالیٰ اس خاندان نے قائم دائم رکھے جڑے نقوش بولے جی بڑا بڑھانے پہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد کو عزت دے رہے قوت دے کہ اس نپوٹ میں تازہ اور زندہ رکھے عطا زندہ رکھنا بہت بڑا کارنامہ حسی کر انہوں نے بچے نا اور جو نہ جائے طریقت صاحب طریقت بھی نہیں صاحب طریقت کلی شاعری بولی جو کمپ نہیں کی کہ وہاں درد کرو کہ اپنے دور دیشی انہوں نے کیا سوچ ہے جس سے نہیں پہنچ سکتا گل ہے صحیح دیش کا انہوں نے کہ دروازہ ڈنگا کے چبرا کے اے دروازہ رسی آپ انہوں نے پتا اسی اس دروازی پر پتا اتنی مخلوق کچھ بڑھ دی نکل دی دیتا ہے جی اور جلال میں آنے کچھ لائے کے جانے لائے کے خالی اسی طرح اس درس و تدریس دا سلسلہ سن 2002 یعنی 62 سال تک جاری رہا جس سے شہر پشور دے نوجوان پختہ عمر بزرگ یکساں مستفید و مستفیض ہوندے رہے حضرت مولوی جی سرکار نے درس و تدریس دے نال نال تصنیف و تالیف تحقیق و اشاعت دا سلسلہ بھی جاری رکھا توانے مختلف موضوعات تے تقریباً 40 کتاباں قلم بند فرمائیاں جنہاں وچ نماز مقبول تذکرہ حفاظ پشور تذکرہ علماء و مشائخ سرحد تذکرہ مشائخ قادریہ حسنیہ انوار غوثیہ انوار علی انوار قادریہ شرح غوثیہ درس قدوری درس اسات الحسنیہ مقام اہل بیت و حیات نبی جی کتاباں نے علمی تے ادبی حلقیاں وچ بے پناہ مقبولیت حاصل کی تھی تے انہاں تمام کتاباں دے کافی ایڈیشن بھی شائع ہو چکے ہوں مولا جی نے 64 تذکرہ حفاظ پشاور چھاپی ہے اس انہوں نے اس مشکل دور جس وقت اتنے وسائل بھی نہیں ہے اتنی سہولتیں بھی نہیں آئیں مولا جی نے 300 آفس جمع کیتے اور سانے اتنی سہولتوں کے باوجود جڑے 250 آفس اسی جڑے اس کتاب ایڈ نہیں کر سکے اور وہ کتاب جڑی ہے سن 2006 سانے شروع کیتی ہے تو اس کی کمپلیشن جڑی ہے تقریباً 2014 لے سانے چھاپی ہے کتاب 10 سال سانو تقریباً 7-8 سال جڑے اس کتاب کی تیاری دے بھی کمپوزنگ دے بھی تے اس کا بھی لگے اس کے بعد ساری اور خواہش ہی تھی مور جی دے اور کڑے کم مور جی نے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے ہیں آج سے 75 سال پہلے مور جی نے نماز مقبول لکھی ہے اسی طرح مور جی نے کئی کتابچے لکھے چھوٹے چھوٹے جڑے کہ بالکل ساڑے اس کے مطابق عقیدے کے مطابق ہے لیکن وہ جڑے اویلیبل نہیں ہیں مولا جی دی سب سے پہلی کتاب جڑی ہے نماز مقبول ہے تے سب سے آخری جڑی کتاب جڑی ہے تے نماز جنازہ کے بعد دعا اور اس کتاب وچ ایک تصوف دی بہت امپورٹنٹ کتاب ہے سیر السلوک الی ملک الملوک تقریباً 1992 دے وچ مولا جی نے اس کا ترجمہ کیتا ہے جہدے 10 باب اور الحسن جو کشتوار چھپتی رہی ہے سارے اس کتاب جڑے اس کو شامل جواہر امیریہ اس کتاب نو نام دیتا ہے اور میری خواہش ہے کہ مولا جی نے ہر مرید کے ہاتھ جڑے جتنے مولا جی نے کتابچے یا رسالے اسے ہاتھ جڑے نہیں کتابی صورت جڑے پہنچن اس علاوہ مولا جی نے ایک درس دیتے ہیں جی بڑے امپورٹنٹ 98 اور 99 مختلف موضوعات دیتے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی دے وچ انہاں دی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی اور انور شاہ صاحب نے کافی محنت دے نال انہوں جڑا ہے قلم بند کیتا ہے اس دے وچ کتابی صورت وچ ڈالا ہے اور ایک کتاب سانے جڑی ہے پھر میرے ایک دوست ہیں کراچی دے وچ کارڈیالوجسٹ ہیں بہت بڑے اسحاق پراچا انہوں نے منو کیا بھائی تو ایک کتاب انہوں بھیج کہ میں چھاپ ساں اور پھر کتاب انہوں نے درسات الحسنیہ کی صورت وچ انہوں نے کتاب چھاپی تصوف دے حوالے نال پشور دا سب تو پہلا مجلہ الحسن دی اشاعت دا اعزاز بھی مولوی جی سرکار نو ہی حاصل آیا سیدنا مولوی جی دی زندگی مکمل طور تے سنت نبوی تے گزری تواڈی شخصیت حسن و جمال سیرت و کردار علم و فضل خلوص تقوی و اطاعت شرافت و سخاوت تواضع و مروت محبت و شفقت جرأت و حق گوئی تے فکر و اندیشی دا ایک دلکش مجموعہ آئی جس دے دروازے ہر عام و خاص واسطے ہر وقت کھلے رہندے ہیں پیارے نبی دا فرمان ہے الفکر و فخری منو فکر تے فخر ہے مولوی جی سرکار دی زندگی بھی ایک فکری زندگی آئی
हुजूर ने फरमाया ना कि जिसने आजजी की थी अल्लाह ने उन्हें बुलंद किया। मौलवी जी सरकार ने हमेशा मैंने एक आजिज के तौर पर पाया, हालांकि वो दिलों के इकतदार रहे, दिलों के मुख्तदिर रहे, दिलों से इकतदार रख दिए, दिलों की सल्तनतों के उत्ते इकतदार रख दिए, लेकिन उन्होंने अंदर कमाल आजजी आई। जब कोई बंदा उस मिलता होंगे तो यकीन करो कि उन्होंने आजजी का मोतरफ हो जाता है। कमो बेश 32 किताबों के मुसन्निफ और मुअल्लिफ है, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू ऐसी होंगी कि आम बंदा भी उन्होंने गुफ्तगू को बड़े आसान तरीके से समझ लें। आलिम नू आलिम के तरीके से मिलते, आम बंदे नू आम बंदे की हैसियत उन्होंने गुफ्तगू होती। फाइनल माल यफनी अन करीब, बेशक माल जड़ा वे वो मिटने वाला वे, फानी होने वाला है। व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालु, और इल्म रहसी और कायम रहसी। अज मौलवी जी हुज़ूर दा जिक्र क्यों भी कर रहे हैं, उन्होंने इल्म दी वजह नाल, उन्होंने हिल्म दी वजह नाल, उन्होंने आजजी दी वजह नाल, उन्होंने फैजाने अखुवत और मुहब्बत दी वजह नाल, कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिक्र किया है। इतना जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने बुलंद सी बुलंद तर कर छोड़ा वे, और उन्होंने जिक्र इस तरह जारी रहसी। और अज उन्होंने पर्दा पाने से बाद भी, एक अशर से ज़्यादा वक्त गुजरने से बाद भी, लोग मौलवी जी मौलवी जी मौलवी जी भी कर दें, बल्कि पेशावर की शिनाख्त है मौलवी जी। ये मेरी गल याद रखो कि 19वीं सदी ईस्वी के जो भी पिछोर की तारीख का जिक्र हो सी, वो तारीख मौलवी जी साहब के जिक्र से बगैर नामुकम्मल हो सी। देखो गल्लां करनियाँ, किताबां लिखनियाँ, तकरीरां करनियाँ, ये ठीक है, कितना आसान कम नहीं गा, लेकिन आपनों अमली तौर पर उन्हें गल्लां दा प्रैक्टिकली आपनों बताना उस तरह, ये बड़ा मुश्किल काम है। लोगों ने जिस तरह मौलवी जी साहब तकरीर देखा, जिस तरह उन्होंने लोगों ने उन्होंने तहरीर देखा वे, उसी तरह मौलवी जी साहब उन्होंने अपनी अमली जिंदगी दे भी देखा। मौलवी जी सरकार की सबसे बड़ी क्वालिटी यही जी थे, उन्होंने फकीराना जिंदगी बसर की थी। फकर और इश्क रसूल उन्हें कुट कुट के पराया, इश्क रसूल ने किसी चीज़ से कंप्रोमाइज नहीं करते। दूसरा मैं कह रहा जी मौलवी जी ने जब्त आया, मौलवी जी मैं इस चीज़ को क्या बयान कर सकता, लेकिन अक्सर लोगों से मैंने सुने कि मौलवी जी जड़े कुतबियत के आला तरीन मायार देते फायज है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बुजुर्गी जो जाहिर होने नहीं दिता। मैं मौलवी जी देना तकरीबन 50 साल से डायरेक्ट अटैच रही हूँ, लेकिन मौलवी जी अलैह रहमत मुँह जो कोई इजिया नहीं सुना तो भाई मैं कोई गल की जानी मौलवी जी फरमाने अल्लाह खैर कर सी, और अल्लाह खैर कर सी कहने थे अल्लाह ताला बिल्कुल खैर कर दिया। सैयदना मौलवी जी अपने नाम से कबल ब्रैकेट विच फकीर लिखा कर दिया है। मौलवी मुर्शद मुअल्लम सैयद आगा अमीर, सैयद अशरफ होकर खुद को लिखता था फकीर। मौलवी जी सरकार ने सिर्फ आप सरकार दो आलम नाल मोहब्बत कर दिया है, बल्कि इस सरजमीन पेशोर विच मिलाद मुस्तफा दी बुनियाद रखने वाले भी उन्हां दी शख्सियत आई। सरकार दो आलम नाल मोहब्बत दा ए आलम आया कि पेशोर नू रसूल पाक दी मोहब्बत फैलाने विच उन्हां दा बहुत वड़ा किरदार आया। मौलवी साहब ने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देता है अपनी तालीमात, कुरान और हदीस के उत्ते, और इसी कुरान और हदीस की तालीमात का नचोड़ मौलवी साहब की तसानीफ भी है और रिसालत भी यही चीज़ होंगी। सुबह से लेकर शाम तक दरस कुरान का सिलसिला चलता रहना है। कुछ तालिब इलम ऐसे है कि सुबह आँदे वो नाश्ता कर दे मौलवी साहब के नाल, वो कुरान पढ़ दे, फिर 10 बजे के टाइम पर शहर के मुख्तलिफ आइमा मसाजिद मस्जिद जोड़े लोग इमामत करते वो आ जाते, उन्होंने वत मौलवी साहब कुरान पढ़ाते, ये 12 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। शाम सी बाद वत एक आम दरस होंगे दरस कुरान, उस हर तबके फिक्र के लोग आते, एक छाबड़ी फिरोश सी लैके तो उस आला अफीसर तक इंजीनियर डॉक्टर्स तक हर किस्म का तबका उस आ गए थे, शाम प्रोफेसर तक उस आते। वो दरस वो तकरीबन मौलवी साहब ने 1941 से शुरू किया है तो 2002 तक जारी रहा है, तो 1977 से लेके तो तकरीबन 2002 तक मनु भी उसी इस्तेफादा करने का शर्फ हासिल होया है। ये तमाम जितने भी मौलवी साहब ये तसनीफात उन या तकरीरन या अलहसन या दीनी जितनी भी खिदमात उन एक ही नुक्ते दे गिर्द वो सारा सिलसिला चल रहा है। मरकजी नुक्ता इन्हों का इश्क रसूल है।
मौलवी जी सरकार हजूर पाक दी शान च नात लिख दें ते फरमान दें, मदीने की हवा है और मैं हूँ, मोहब्बत का समा है और मैं हूँ, रसूल पाक के कदमों का सदका ये जन्नत की हवा है और मैं हूँ, रसूल पाक के कदमों में सर है, गुनाहों की जबी है और मैं हूँ, कहाँ मैं और कहाँ दहलीज है ये, मेरी किस्मत है आला और मैं हूँ, मुझे भी खादिमों में गिन के रख लो, ये सुफा में दुआ है और मैं हूँ, तेरी सूरत के मैं कुर्बान जाऊँ, हरम की ये अता है और मैं हूँ, है किस्मत और मुकद्दर मेरा अपना, हजूरी है हजूरी और मैं हूँ, इनायत की कोई हद भी है मुझ पर, रसूल पाक का मिंबर है और मैं हूँ, हरम के सहन से गुम्बद को देखा, मेरे दिल की चला है और मैं हूँ, करम की एक तमन्ना है तुम ही से, सयाहकारी है मेरी और मैं हूँ, मोहब्बत की नज़र से देख लो तुम, तलब है एक नज़र की और मैं हूँ, मुकद्दर है मेरा बालो बरतर, है जन्नत का ये टुकड़ा और मैं हूँ, जबी है और मुसल्लाए नबी है, ये बख्शिश है अता है और मैं हूँ, ये अनवार व तजल्लियात तेरे, ये जाली की ज़िया है और मैं हूँ, तेरे दीदार के सदके मैं जाऊँ, मीना की ये अता है और मैं हूँ, हुआ हाजिर दोबारा दर पे तेरे, ये रहमत की अदा है और मैं हूँ, अमीर बेनवा है और मदीना, इनायत है अता है और मैं हूँ। ओ आलम बा अमल है, मैं अर्ज़ की थी ना कि हर वली आलम ज़रूर हो सी, हर आलम वली नहीं हो सकता, आलम बा अमल है, उन्होंने ज़्यादा खिताब नहीं किया, अमली सूरत बताई उन्होंने, दीन दे होते, शरीयत दे होते, शरीयत तो तरीकत, तरीकत शरीयत से जुदा नहीं गई, आपने अमल करके दिखाया, आप दी सूरत, आप दी सीरत, आप दी गुफ्तार, आप दा किरदार तमाम शरीयत दे मुताबिक होता है। पिशोरिज मिलाद मुस्तफ़ा दे जलूस दी शुरुआत ते सरकार दुआलम दी हमद सना शुरू करने वाले भी मौलवी जी सरकार आए। 1943 से जो बज़्मे मिलाद पिशावर कायम की थी और इत्थे पिशावर ए सिलसिला शुरू होया है, मिलाद शरीफ दा और जुलूस निकलना शुरू होया है, यकतूत शरीफ सी मौलवी साहब दास्तानी सी जुलूस निकल के और पूरे शहर फिर के वापस मुंडभेरी आंदा है, ते इत्थे आके वो जलसे दी शक्ल अख्तियार कर लैंदे आ। 9 रबीउल अव्वल मौलवी साहब दा तरीकेकार ये है कि 9 रबीउल अव्वल में मिलाद शरीफ का जुलूस आंदा है। 1943 से लैके तो 1954 तक ये सिलसिला चलता रहा है। 1954 आगा सैयद जफर अली शाह साहब ने इदारा तबलीग उल इस्लाम कायम किया है, एक साल 2 जुलूस निकले 1954, 9 मौलवी साहब ने कढ़ा और 12 रबीउल अव्वल शरीफ न आगा जफर अली शाह साहब ने कढ़ा, तो 12 जलसे भी उन्होंने किए, तो मौलवी साहब 12 नू भी शामिल हुए, 12 रबीउल अव्वल आगा जफर अली शाह साहब के जुलूस भी शामिल हुए और अगले साल मौलवी साहब ने अपनी जी तनजीम है उसको ख़त्म कर दिता है, ख़त्म करके इदारा तबलीग उल इस्लाम इंतजाम कर दिया। पिशोर शहर जमीयत सादात बनाने वाले ते तमाम सादात कराम नो इकट्ठा करने वाले भी मौलवी जी सरकार आए।
मौलवी जी ने हर मकतबे फिक्र दे नाल ताल्लुक रखने वाले तमाम सादात नूं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा किया। मौलवी जी नूं इह शर्फ हासिल आया कि हर मकतबे फिक्र दे नाल ताल्लुक रखने वाले तुहाडी बहुत कदर मंजिलत करदे आए। अज दे दौर विच भी जिथे फिरका वारियत ते मसली की तासुब ने लोगां नूं अंधा कीता होया वे ते लोगां दी अक्सरियत इस्लाम दी मुहब्बत ते इंसानी कदरां सी हट के फरूई इख्तलाफात दे शिकार हो गए हुए। लेकिन मौलवी जी साहब अहले सुन्नत ते अहले तरीकत दे मुस्तनत आलमी दीन ते रूहानी पेशवा होने दे बावजूद फिरका वारियत ते मसले की तासुब सी पालतर रहे ते दीन इस्लाम दी मुस्बत अंदाज विच तरवीज ते अशात करदे रहे। आगा फुल बादशाह साहब तशरीफ लियाए यकतू आस्थाने शरीफ ते मौलवी साहब दे कोल। जिस तरह मैंने अर्ज किया मैं इतनी होने आस्थाने शरीफ ते मौलवी साहब दे कोल ही बैठा रहने ते उत्थी इन्होंने गलां कथा कीतियां कि जी इस तरीके से सादात दी कुछ एक तंजीम होनी चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि सादात आपस में जान पहचान नहीं होती, आपस में जान पहचान हो, एक दूसरे की मदद करो, तावन करो एक दूसरे के नाल। मौलवी साहब दे उसी उत्थी इन्होंने सलाह मशवरा किया तो उसी बाद एक मीटिंग हुई है मौलवी साहब आस्थाने की, जिस वक्त कुछ तकरीबन 30-40 सादात पेशावर दे जिन्हें आगा लियाकत अली शाह साहब भी है, आगा जफर अली शाह साहब भी है, आगा ताजमीर शाह साहब भी उस मौजूद है और भी सादात किराम उत्थे उस मीटिंग वत इन्होंने बाकायदा तंजीम का एक फैसला किया है। लेकिन उस ये फैसला नहीं हो सका कि ये मसलक की बुनियाद पर होवे या सियासत की बुनियाद पर किस तरीके से। अगली मीटिंग ताजमीर शाह साहब दार हुई है, तीसरी मीटिंग, उस मीटिंग बाद यह फैसला होया, फैसला आखिर ते होया कि ये मसलक सी और सियासत सी बालातर हो। इस हर मसलक चाहे सुनी है, सुनी दे विच अगर बरेलवी मसलक दे नाल ताल्लुक रखदा है, देवबंदी मसलक दे नाल ताल्लुक रखदा है, या मतलब इन्हें कि अहले तशीयो दे नाल ताल्लुक रखदा है, या अहले हदीस है भावें कोई भी लेकिन सैयद है आले रसूल दे नाल उसका ताल्लुक है, तो उन सब नू एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, एक गुलदस्ता बनाया जाए। मौलवी जी सरकार की जिंदगी के काफ़ी पहलू, अगर असी उन्हां दी सियासी पहलू की गल करिए तो उन्हां दा ताल्लुक जमीयत उलमाए पाकिस्तान नाल आया ते सूबे सरहद दे सदर आए। पहले दिन से जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान बने उसके बुनियादी रुके ने मौलाना कमरुद्दीन सियाली साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह मंदूरानी साहब, जनाब कौसर नियाजी साहब, सॉरी अब्दुल सत्तार नियाजी साहब, इन्होंने लोगों के नाल मिल के इन्होंने जे यू पी की बुनियाद रखी है और शुरू से ही सूबे सरहद ते जे यू पी दे सरबराह हैं और सीनियर नायब सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान दे और नजरियाती तौर पर इस चीज़ के काले कि अल्लाह और उसके रसूल दे अहकाम की पाबंदी की जाए, उस वजह उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और हमेशा इसी जमात के नाल वाबस्ता रहे। इसी सिलसिले जिस वक्त मुतहदा मजलिस अमल बनी है MMA उसके पहले सरबराह सूबे सरहद उस अजकल खैबर पख्तूनख्वा है उस जमाने सूबे सरहद कहलाता है उसके पहले सदर है और उसका पहला इजलास भी साढ़े खारिज मोदी ने कराया। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने जुलाई 1977 विच मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत पे कब्जा कर लिया। जियाउल हक ने अपनी हुकूमत को तूल देने वास्ते मजलिस शूरा बनाई ते मुल्क भर से उलमा, फजला, दानिश्वर, सियासतदान, वडेरे, सनतकार, पीरान उज़ाम ते दीगर मुक्तदर शख्सियात नु उसकी रुकनीयत वास्ते नामजद किया। सैयदना मौलवी जी नु भी इस मजलिस शूरा विच शामिल किया गया है। तुसी उस वक्त जमीयत उलमाए पाकिस्तान दे सूबाई सदर आए, जिहड़ा मेहमान तुहानू शामिल करने वास्ते आए आ तुहाने उस दी खातिर मदारत करने तो बाद फरमाया साने तहरीक के निजामे मुस्तफा इस वजह से नहीं चलाई कि फौज आकर कब्जा कर लेवे। जियाउल हक चूंकि गासिब है लिहाजा मैं किसी गासिब दा साथ हरगिज नहीं दे सकना हूँ। सैयदना मौलवी जी एक दरिया दी मानिंद है जिससे तुशनगान इल्म मुआरिफत हम वक्त सैराब और फैजियाब होंगे है, गुरबा मसाकीन ते बेसहारा वसे तुसी सरापाए रहमत ते हिकी जी पना गाए हो जिस दे साए विच आंदे ही उन्हां दे रंजो गम दुख दर्द दा मदावा हो जांदा है।
दुनिया भर के सताए तो ठुकराए हुए लोगों को उन्होंने आस्थाने में आकर सुकून तो इतमान महसूस होता है। मौजूदी पहली दफा हज से जाने लगे 1968 का वाक्य है। उस जमाने मौजूदी ने प्रोग्राम बनाया कि मैं बाई रोड हज से जा सकता। पेशावर से बस से बैठे थे काबुल गए, काबुल से फिर मशहद गए, मशहद से फिर तेहरान गए, तेहरान से फिर गए इराक। तो 40 साल बुजुर्ग उस पाक दे रोज़ा मुबारक दे उते 40 दिन बुजुर्ग उस पाक दे रोज़ा मुबारक दे रहे। मौला अली की इजाजत दे रहे, इमाम हुसैन असलाम की इजाजत दे रहे, उन्होंने हाजिरी दी है। सारे इमामों उत्थे इराक के घर तमाम ज्यारतों से गए और पूरा तकरीबन को 1.5-2 महीने उन्होंने इराक के घर गुजारे। उतो से फिर आप हज से गए। हज से एक रात पहले का वाक्य जिसे कहा मैं गवाह हूँ कि एक बंदा आया पेशावर का बड़ा सरमायादार, मैं उसका नाम हूँ नहीं लेना चाहता, बड़ा सरमायादार बंदा आया तो आया तो आगे कहता जी मोदी जी मैं थोड़ा बचपन का साथी हूँ तो कल तुम हजते पे जाते हो तो मेरा थोड़े काम में तो मैं उन्होंने गले आओ मौजी को बड़े लोग बैठे मौजी ने मनु कि आ तो असं दूसरे कमरे चले गए। उसने जेब के घरों इतने बहुत सारे पाउंड कड़े तो मौजी ने कहा कि मेरे प्यो से जाकर उसे दुआ करना। मौजी ने बड़ा अजीब उन्हें जवाब दिया है कहने तू मेरे को पैसे रह के आए कि मेरे हज न खरीदने मैं हज का कर रहा हूँ अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी थी तो मैं आपने से हज कर रहा लेकिन एक मेरी गल याद रख तेने पैसे नेक रस्ते वैसे कटे इन्होंने तो आप लोग संभाल के रख लें मैं हज तो वापस आया जब इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता। मैंने सवाल किया कि लोग मौजी ने मुहब्बत क्यों कर दे। उस आदमी ने पैसे संभाल देते खुदा का करना कि एक दो साल बाद एक गरीब आदमी आया है पेशावर का बड़ा एक बाहर आ गया। उसने कहा जी मोदी मेरे को पैसे नहीं गए तो मैं अपनी धी का ब्याह कर दूँ। उन्हें कहा तू कल आई तो मनु बुलाया ने मनु कहा तुम्हें याद है तो फलाने आदमी ने कुछ पैसे इस काम से रखे तो इस बंदे नाल लै के उसको जा वो पेशावर का बड़ा मशहूर तो बड़ा अमीर आदमी है इन्हों नाल लै के जा तो उसने कहा कि मोदी की जोड़ी अमानत है ना वो इन दे दे। मैं उस बंदे नाल लै के गया वो बंदा भी बड़ा अजीब आदमी है उसने पैसे उसी तरह ही रखे उन्हें मतलब पौना दे रुपया बढ़ा के उस बंदे दिते तो उस बच्ची का ब्याह हो गया। मैं उन्हें खुशनसीब लोगों तो चाह शबीर साहब कि मैंने हुजूर मौला जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दी जिहड़ी सेहतमंदी का आखिरी साल है तो मुकम्मल तौर से सेहतमंद है आखिरी साल जो उन्होंने आया मैंने उन्होंने दामन गोहरबार से बहुत कुछ समेटा मैंने उन्हें से बहुत कुछ हासिल किया है। मेरे न बहुत प्यार करते होंगे बहुत मुहब्बत अता फरमा होंगे और उन्होंने मेहरबानी वो फारसी के कहते होंगे मन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी को मन्नत शना सजो के बखिदमत बेदाश्त ये ना मान ये ना जान कि बादशाह की खिदमत पे करने ये जान तो ये मन के बादशाह तेरे से खिदमत पे करवा मेरे सी मौला जी हुजूर सरकार अलैहि रहमत ने मेरी कम इलमी के बावजूद मजामीन लिखवाए मेरे सी आरा लेंदे आ ना कि मैं अपनी कम इलमी का पूरा एहसास है मैं उन्होंने मुकाबले कतरा भी नहीं गा और बहरे बेकरां है लेकिन वो मेरे जी कम इलम के नाल भी इलमी गुफ्तगू कर दें होंगे और मनु भी शायद एहसास देते होंगे कि मैं तो कहता हूँ मैं तुम्हारा हूँ तू भी कह दे कि ये हमारा है। लाइलाज तो मायूस मरीज आकर उन्होंने आस्थाने ते शिफा पाते आए। हजरत मौलवी जी सरकार 85 साल की उम्र 12 और 13 रमजान की दरमियानी शब 1425 हिजरी ब मुताबिक 17 अक्टूबर 2004 नू इस जहां ने फानी सी पर्दा फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सूरत इलाही किस जा बरसतियाँ हैं अब जिनको देखने की वो आँखें तरसती हैं। वो एक ऐसी अजीम हस्ती आई कि जिन्होंने अपने असलाफ दे नक्शे कदम ते चलते हुए उन्होंने उन रवायात नो कायम करते हुए दीन दी तालीम
और दीन की इशात की पूरी जिंदगी अपनी उन्होंने वक्फ कर दी। तुहाड़ी वफाद नाल ही पिशोर दे हर एक घर विच सफे मातम बिच गया है। मौलवी जी सरकार दी जुदाई ते फिराक नू हर मर्द जन पीर जवान ने खून दे रिश्तियां सी बढ़ के महसूस कीता। ते सवालेहाना मोहब्बत दे मंजर नू दुनिया वालियां ने नमाज जनाजा विच शामिल लोगां दे ठाठे मारदे होए हुजूम दी सूरत विच मुलाहिजा कीता। ए जनाजा पिशोर दी तारीख दा सब तो वड्डा जनाजा आया। तुहाड़े आखिरी सफर ते रवानगी दे उत्ते खातिर गजनवी फरमांदे ने, ए चिराग ए दो दमान ए गौस लाजम अलविदा, शहर भर में है बपा एक शोरे मातम अलविदा, ए मेरे मुर्शद मेरे आलिए मुअल्लम अलविदा, ए मेरी नगरी के शहंशाह आजम अलविदा। मौलवी जी सरकार नू अपने जद्दे अमजद पीर सैयद हसन बादशाह दे मजार दे अहाते विच दफन कीता गया। उन्हां दा मजार अज भी हर आम ओ खास वसे खुला वे ते उन्हां दे चाणे वालियां दा उन्हां दे मजार ते हर वक्त रश लगा हुंदा वे। हर साल 13 रमजान उल मुबारक नू मौलवी जी सरकार दा उर्स मनाया जांदा वे ते हुण उन्हां दी तालीमात दा सिलसिला उन्हां दी औलाद ने भी जारी रखा होया वे। मौलवी जी सरकार दी तालीमात आने वाली नस्लां तक जिंदा रह सन। मौलवी जी दी कमी शहर पिशोर कई सदियां तक महसूस करदा रह सी। अल्लाह पाक दे ए वली अज साडे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उन्हां दी तालीमात ते अफकार अज भी जिंदा हुन, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बुरगुजीदा बंदियां नू जिन्हां ने अल्लाह दी दीन दी खिदमत कीती हुंदी है उन्हां दे जिक्र ते उन्हां दे नाम नू हमेशा जिंदा रखदा वे।